हेलो फ्रेंड जी। हाँ दोस्तों, मैं विप्लव कुमार, विप्लव ऑनलाइन क्लास में स्वागत है दोस्त। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने बारे में भी आपको बताया था, मैं तीन तीन सब्जेक्ट में दिया रहा हूँ, हिंदी में भी, हिस्ट्री में भी और बुद्धिज्म में। मैंने हिस्ट्री का एक क्लास पहले भी लिया था, अगर आप हिस्ट्री से नेट और GRF दे रहे हो या फिर अदर एग्जाम दे रहे हो, DSSB, KBS, नवोदय, सारे में आपको काम आने वाला है। तो पूरे वीडियो गौर से देखिएगा, आज हमारा हिस्ट्री का दूसरा क्लास होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको रणनीति बताऊंगा। जैसा कि पिछले क्लास में हमने हिस्ट्री के पूरे इतिहास को तीन भागों में बांट कर देखा, जिसमें हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड की बात की। प्री हिस्ट्री में हमने स्टोन एज की बात किया था, प्रोटो हिस्ट्री में हमने हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त विवरण बताया था, और हिस्टोरिक फेज में हमने वैदिक काल के बाद के कालों को रखा। जी हाँ दोस्तों, आज इतिहास का जो पहला टॉपिक है, आज दोस्तों उसी टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, वो है स्टोन एज। जी हाँ दोस्तों, स्टोन एज। प्रायः S2 एग्जाम कोई भी है दोस्तों, चाहे IAS दे रहे हो, PCS दे रहे हो या अदर एग्जाम दे रहे हो आप, प्रायः पूरा पाषाण से क्वेश्चन नहीं बनता है, या तो समझ नहीं आता है या क्लियर नहीं हो पाता है इसका समय क्या है। दोस्तों स्टोन एज जिसे पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, यानी पत्थर का पूरा मतलब पुराना और पत्थर मतलब पत्थर, पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल को दोस्तों हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर हम देखें तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 250,000 BC मतलब ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 BC तक और मध्य पाषाण काल को 10,000 BC से लगभग 5,000 BC और उसके बाद को काल को हम लोग नियोलिथिक काल कहते हैं। अगर स्टोन एज को या पूरा पाषाण काल को हम बांटे तीन भागों में बांटकर दोस्तों देखते हैं, याद रखिएगा, पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसे हम स्टोन एज का पहला पार्ट कहते हैं, और इसका समय पूरा पाषाण काल का समय लगभग 250,000 BC से अराउंड 10,000 BC तक जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को हम लोग मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, और तीसरा हमारा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल इसे मेसोलिथिक एज कहते हैं, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का समय दोस्तों अराउंड 10,000 BC से 6,000 BC या 5,000 BC भी जाता है। नियोलिथिक एज का 5,000 BC से अराउंड 2,000-3,000 BC तक जाता है, याद रखिएगा। पूरा पाषाण का जो स्टोन एज है उसको हम लोग तीन वर्गों में हमने बांटा, पूरा पाषाण का, नव पाषाण का और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण काल को भी अगर आप डीप पे जाएंगे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब पूरा पाषाण काल का इंग्लिश होता है पैलियोलिथिक एज, इसको भी तीन भागों में बांटते हैं, पहले को लोअर पैलियोलिथिक एज
इसे लोअर पेलियोलिथिक एज, फिर मिडिल पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज में बांटते हैं। ध्यान रखिएगा, लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज में दोस्तों बांटते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है, उसके बाद मध्यपाषाण काल और नवपाषाण। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा आप, कि अदर अदी बोरी, बोरी एक महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण जगह है, याद रखिएगा। बोरी को प्रमाण माने तो पाषाण काल का एज, जो स्टोन एज कहते हैं, वह लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व तक जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बोरी को हम एक प्रमाण माने तो पाषाण काल का समय 14 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, बोरी जो महाराष्ट्र में है एक अपवाद है। सामान्य स्वीकृत कालखंड जो पूरा पाषाण काल का है, वह लगभग 2,50,000 से 10,000 BC तक है। अगर सामान्य काल बोरी को अपवाद हम छोड़ दें तो वह 2,50,000 से 10,000 BC तक है। दोस्तों आज के काल में हम पूरा पाषाण काल पे चर्चा करेंगे। दोस्तों पूरा पाषाण काल का संबंध प्लास्टोसीन फेज से है, और पूरा पाषाण काल में जो पत्थरों का यूज होता था उन्हें याद रखना। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण के तीनों सेक्टर को हम ले रहे हैं, पहला जो पत्थरों का युद्ध होता था वह था हैंड एक्स, याद रखिए। पहले जो एंड हैंड एक्स, यह नुकीले पत्थर होता था और इसको जानवरों को चूरने या उनकी हड्डियों को काटने के लिए हैंड एक्स का प्रयोग करते थे। इसी तरह दूसरा होता था क्लीवर, CLIVER, क्लीवर। दोस्तों यह काटने वाला औजार था, किसी वृक्ष को काटने या मरे हुए जानवरों को काटने के लिए प्रयोग होता था। इसी तरह गराशा था, हिंदी में भी याद कर सकते थे गराशा, आज भी जानवरों को काटने के लिए गराशा का प्रयोग होता था। साथ ही दोस्तों मिडिल पूरा पाषाण काल, जब इस फेज में हम लोग आते हैं, क्योंकि साथ ही हमने बात किया, तो मिडिल पूरा पाषाण काल में फलक और कोर का भी प्रयोग होने लगा। मतलब फलक, जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकराते थे तो वही फलक और खोर बनता था। इसी तरह खुरचनी, खुरचनी मतलब खुरचने वाला, और तक्षिणी का भी प्रयोग पूरा पाषाण काल में होता था। इनको आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल है उनकी हम चर्चा करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पूरा पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण स्थल था, उसमें पहला दोस्तों सोहन घाटी था, याद रखिएगा सोहन घाटी। बहुत फेमस नाम है प्राचीन काल में, पूरा पाषाण काल में सोहन घाटी। दोस्तों यह वर्तमान में पाकिस्तान में है, और सिंधु की सहायक नदी सोहन जो पूर्व की ओर बहती थी, इसी जगह की खोज जो है, जो खोज किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की संयुक्त टीम ने, टेरी और पेटरसन के नेतृत्व में, जो सोहन घाटी की खोज की थी, ऐतिहासिक मान्यताओं पर आधारित थी, वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टीम, टेरी और पेटरसन के नेतृत्व में। आखिर इसे क्यों पढ़ते हैं दोस्तों, याद रखना कि यहाँ से सर्वाधिक लोअर पेलियोलिथिक काल के, पूरा पाषाण काल के प्रयोग मिले हैं। लोअर पेलियोलिथिक यानी निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से मिलेंगे, और यहाँ से हैंड एक्स का सबसे ज्यादा प्रमाण मिला है, हैंड एक्स का सबसे ज्यादा प्रमाण मिला है। इसी तरह से दोस्तों दूसरा है अतिरम्पक्कम, अतिरम्पक्कम याद रखना, यह तमिलनाडु का स्थल है अतिरम्पक्कम। यह मद्रास के निकट है, और इनका खोज 1834
1854 में, याद रखना 1864 में ओल्ड हेम किंग ने किया था। किसने किया था? ओल्ड हेम किंग ने, याद रखना 1854 में ओल्ड हेम किंग ने किया था। और इनकी खासियत है, इनका संबंध भी निम्न पुरापाषाण काल से मिला है, और इनकी विशेषता है कि इनकी विशेषता सोहन घाटी से मिलती है। मतलब जो चीज यहां से मिला है वही अतिरम्पक्कम से ही मिला है। दोस्तों इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण साइट था पल्लवरम, बहुत फेमस साइट है पूरा पाषाण काल का पल्लवरम। दोस्तों यह तमिलनाडु में है पल्लवरम, ये भी मद्रास के पास पास है, संबंध निम्न पूरा पाषाण काल से है। और 1863 में इसका खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया, याद रखना इसका खोज जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया, इनका खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया है। और दोस्तों याद रखना सबसे पहला खोजा गया यह स्थल है, याद रखना। क्वेश्चन अगर पूछे कि पूरा पाषाण काल में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन है, तो वह है पल्लवरम 1863 का, और खोज करता था रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसी तरह दोस्तों इसी तरह भीमबेटका है, नाम सुने होंगे भीमबेटका, बहुत फेमस नाम है भीमबेटका। यह मध्य भारत में है, यह लगभग भोपाल से 40 किलोमीटर दूर पर रायसेन जिला में है। इसका संबंध पूरा पाषाण काल से भी है और आगे मध्य पाषाण काल से भी है। दोस्तों यहाँ की प्रसिद्धि का प्रमाण क्या है? यहाँ से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला है, याद रखना गुफा चित्रकारी चित्रकारी का प्रारंभिक प्रमाण जो है वह भीमबेटका से मिला। एग्जाम कोई भी हो लेकिन ये क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। और गुफा चित्रकारी में भी दोस्तों शिकार करते हुए मनुष्य, मत्स्य को मारते हुए मनुष्य, और इसकी खोज जो दोस्तों बीएस बाकनर ने किया, इसका खोज बीएस बाकनर ने किया, याद रखना बीएस बाकनर, खोज इसका बीएस बाकनर ने भीमबेटका का किया। इसी तरह दोस्तों पूरा पाषाण काल में और भी जगह था जहां से गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला है, वह है मिर्जापुर पहाड़ी इलाहाबाद। इसी तरह महाराष्ट्र के पटने, मिर्जापुर पहाड़ी जो इलाहाबाद के आसपास है, और महाराष्ट्र के पटने जगह से भी गुफा चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। कुछ और हम साइट के प्रमाण की देखें कहां कहां से पूरा पाषाणकालीन स्थल मिले। नेक्स्ट है हमारा हथनौरा, हथनौरा जगह बहुत फेमस है हथनौरा, यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है दोस्तों, याद रखना, और नर्मदा नदी के तट का स्थल है, और हाल में 1887 में खोजा गया। इसके प्रसिद्धि के दो कारण है हथनौरा का, याद रखना, यहाँ से हाथी के प्रमाण मिला है, और साथ ही पुराने हाथी को जिसे स्टेट गार्डन गणेश भी कहा जाता है उसका प्रमाण मिला है, और दूसरा मानव के भग्न खोपड़ी का साक्ष्य, खास करके बच्चे के भग्न खोपड़ी का साक्ष्य हथनौरा से मिला। एग्जाम कोई भी हो पूछा जाता है कि मानव के भग्न खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला, वह है हथनौरा। इसी तरह दोस्तों है मैहर, मैहर जगह बहुत फेमस है, यह भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। दोस्तों यहाँ से क्वार्टजाइट, कैल्सीडोनी और सैंड स्टोन के पत्थरों का प्रयोग प्रमाण मिला है, और सबसे विख्यात कैल्सीडोनी पत्थर था। इसी तरह दोस्तों पूरा पाषाण काल में बेलन घाटी क्षेत्र, याद रखना बेलन घाटी क्षेत्र, यह जो है बनारस से इलाहाबाद तक फैला है। यहाँ से दोस्तों दो नदियां थी, बेलन और टोस नदी, और दोनों के बीच में यह पूरा पाषाण कालीन स्थल था।
यहां से पूरा पाषाण काल से संबंधित लगभग 44 प्रमाण मिले हैं, साथ ही मध्य पाषाण और नवपाषाण काल से भी लगभग 50 से प्रमुख स्थल मिले हैं। यही बेलन घाटी में दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्थल था लोहंदा नाला। यहां से विशिष्ट उपकरण की प्राप्ति हुई है लोहंदा नाला से, जो अपने आप में दोस्तों प्रसिद्ध है। इसी तरह से है बोरी, मैंने बताया पहले ही बोरी महाराष्ट्र में है। दोस्तों याद रखना, महाराष्ट्र के पुणे जिले में बोरी है, कुखरी नदी के तट पर है। 1987 में दक्कन व पुणे कॉलेज के पुरातात्विक टीम ने पुणे की बोरी की खोज की। दोस्तों कहा जाता है कि इस जगह पर ज्वालामुखी फूट पड़ा था, और इसी ज्वालामुखी फूटने के कारण बहुत दिनों तक यह स्थल मिट्टी में दबा रहा, और उसके बाद ज्वालामुखी को हटाया गया तो उससे औजार मिली, पोटेशियम आर्गन मेथड और C14 मेथड के द्वारा देखा गया इसका समय लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व है। जैसे कि पूरा पाषाण काल का समय हमने आपको 2.5 लाख से 10,000 BC के बीच माना था, लेकिन यह अपवाद है जो 14 लाख BC जाता है। इसी तरह दोस्तों नई भाषा है, याद रखना नई भाषा महाराष्ट्र में है। नई भाषा याद रखना, महाराष्ट्र में नई भाषा जगह है जो गोदावरी नदी के तट पर है। यहां से 2 लाख वर्ष पूर्व के आसपास के उपकरण मिले हैं, और यहाँ की जो विशेषता है सोहन घाटी अतिरम पक्कन से ही मिलते हैं। और दोस्तों याद रखना, नई भाषा से रेशम के धागे का प्रमाण मिला है, रेशम के धागे का प्रमाण मिला है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण स्थल है दोस्त, वह है मच्छू ताबी चिंता मनुगाबी पहाड़ी। मच्छू ताबी चिंता मनुगाबी पहाड़ी बहुत नाम फेमस है, याद रखेगा मच्छू ताबी चिंता मनुगाबी पहाड़ी। यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल और रेणुगंटा क्षेत्र में है। दोस्तों ये बेहद चर्चित स्थल है क्योंकि यहाँ से क्वार्टजाइट, कैल्सीडोनी, सैंडस्टोन, साथ ही फ्लिंट, चट, अगेट का भी प्रमाण मिला है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने स्टोन एज में पहला सेक्शन हमने पूरा पाषाण काल को समझा, और पूरा पाषाण काल का जो समय लगभग 2.5 लाख BC से 10,000 BC तक जाता है, और इस दौरान के जो भी प्राचीन स्थल है वहां से क्या मिला इसके बारे में चर्चा हमने किया, चाहे वो सोहन घाटी हो, चाहे वो मिर्जापुर पहाड़ी हो, चाहे वो बेलन घाटी हो, चाहे वो भीम बेतखा हो, इन सब के बारे में हमने देखा। अगर पूरी वीडियो को गौर से देख लिया तो आपका प्रश्न इतिहास का जरूर बनेगा दोस्तों। दोस्तों मेरा हिस्ट्री का भी ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है, अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों एग्जाम कोई भी हो आपसे बनेगा, और सबसे पहले अपने अंदर संकल्प शक्ति का विकास कीजिए, और ये ध्यान रखिएगा आप जो करना चाहेंगे वो करके रहेंगे, यू कैन डू। दोस्तों फिर से इतिहास के नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।